देखिए बॉयकॉट मुझे समझ नहीं आता है आ, कि आमिर सर को लेके इतना बोल रहे हैं या किसी भी एक्ट्रेस के लिए बोल रहे हैं मैं खुद मैं पहले तो ये कोट कर दूँ कि मैं खुद फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ और मैं काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाऊँ देखिए बॉयकॉट बोल देना बहुत ईजी है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही होती है मैं देश विदेश में जाता हूँ वहाँ पे आज भी जब बात करते हैं तो बॉलीवुड का पहला नाम आ जाता है अरे बॉलीवुड इंडिया मतलब बॉलीवुड तो हमारा जो बॉलीवुड है वो हमारे लिए गर्व की बात है हमारे हमारे लिए देश का नाम होता है वहाँ क्योंकि बाहर के लोग बॉलीवुड की फिल्में देख रहे होते हैं लोगों को जानते हैं और इंडिया को रिलेट करते हैं बॉलीवुड से बहुत चीज़ बहुत सारी जगह पे तो बॉयकॉट मुझे लगता है ये कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं क्योंकि अगर बॉयकॉट करना होता तो सर की दंगल इतनी बड़ी हिट नहीं होती फिल्म अच्छी थी तो अच्छी लोगों को पसंद आएगी लोग देखेंगे ही देखेंगे अगर बॉयकॉट करना हो तो उससे पहले आमिर सर सर के दंगल से पहले बहुत बॉयकॉट बॉयकॉट कर देंगे कर देंगे फिर दंगल इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई अगर फिल्म अच्छी है तो लोग देखेंगे नहीं अच्छी है तो नहीं देखेंगे तो बॉयकॉट तो मुझे लगता है कि बहुत ही ख़राब है क्योंकि इतने लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है मैं इतने सारे लाइट्स इतने सारे स्पॉट बॉय को जानता हूँ क्योंकि एक फिल्म नहीं चलती है तो हम सबका सबका प्रॉब्लम होता है हम सब एक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इकोनॉमिक में डेफिनेटली असर होता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी पैसा पैसा लोगों को मिलता है लोग एक दूसरे से काम करते हैं टैक्स जाता है बहुत सारी चीज़ें तो आई थिंक बॉयकॉट बोल देना बहुत आसान है जो अंदर जो काम कर रहे हैं हम लोग जो काम करते हैं हमारे लिए एक, एक काम करना बड़ा मुश्किल होता है हमें काम मिलना बड़ा टफ होता है तो बॉयकॉट कर देना बहुत ईजी है उसके पीछे जो मेहनत है वो देखना ज़रूरी है